राइट। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले पहले शुरू करने से पहले आज काफी सारे एक अनाउंसमेंट है, मैं आप लोगों के साथ काफी सारी बातें करूंगा। एक अनाउंसमेंट करने से पहले आइए पहले थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। पहले ये बताओ क्या आप लोगों ने मेरे साथ यहां पर आपने ट्रेड पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? अब बोलोगे यार सर काश पहले से पता होता। एक चीज यहाँ पे, अगर आप हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम का यहाँ पे चैनल देखोगे, ठीक है मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं रोज सुबह, देखो मैं क्या है ना कैसे खेलता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो क्या लिखा था, रेजिस्टेंस 18620 18680। यहां पर मेरा रोज का क्या है ना, मैं एक टारगेट लेके खेलता हूं कि राइट ओके मैं आज इस टारगेट के साथ खेलूंगा, आज मैं ये अचीव करूंगा। क्योंकि देखो एक क्या है ना, ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी आप बिना किसी टारगेट के जाते हो, मतलब आपके पास मोटिव ही नहीं है कि हाँ चलो ट्रेड मिला पैसा कमा लिया 2 4 10 पॉइंट मिल गए, नहीं, आपको हमेशा एक मोटिव के साथ आना पड़ता है। अगर आप इस मोटिव के साथ मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेक श्योर कि अगर आप ओरिजिनल चैनल पे हो तो मेक श्योर कि लाइक करना। और लास्ट का ट्रेड यहां से अब मैं बताऊंगा कि क्या था, उसको मैं पहले समझाऊंगा, उसकी साइकोलॉजी में समझाऊंगा, फिर चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप हाई देखोगे ना, एग्जैक्टली 18,680 का ही मिला, और यहां से बहुत अच्छा ऑलमोस्ट मोर देन यहां से 80 से 108 कितना परसेंट हुआ। क्या आपने मेरे साथ पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, कितना प्रॉफिट निकाला वो मुझे नीचे कमेंट पे बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस शुरू करने से पहले। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मेरे दिमाग में ये जो है कि मैं आप लोगों के साथ रोज रात को लाइव स्ट्रीम आऊंगा जिधर हम एनालिसिस भी करेंगे और आपके और मेरे डाउट भी लेंगे। देखो टाइमिंग ऐसी रहेगी 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जिस पे भी सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर इतने बजे लाइव स्ट्रीम रखिए ताकि मैं अवेलेबल, तो जो मेजोरिटी होगी उसके हिसाब से वहां पर रोज रात को लाइव स्ट्रीम रखा जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर है, और कितने बजे चाहते हो मैं रोज लाइव आऊं तो यहाँ पर है, ठीक है। इसकी वजह से तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। पहले यहाँ पे हम निफ्टी 50 पे आएंगे, पहले हम यहाँ पे निफ्टी बैंक से आज हम एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक में एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज पता देखने क्या मिल रही है, यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली देखोगे निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग देख रहे हो, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ हुई है, यही वाले पॉइंट पे हुई है, ठीक है। मार्केट ने कल क्लोजिंग कहाँ दिया था, यही वाले पॉइंट पे दिया था। मार्केट ने आज भी क्लोजिंग कहाँ दिया, यही वाले पॉइंट पे, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है क्लोजिंग नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है क्लोजिंग नीचे आ रही है, ठीक है। मार्केट वापस से ऊपर तो है लेकिन क्लोजिंग नीचे आ रही है, तो इससे हमें क्या मिल रही है, हमें इससे एक चीज यहाँ पे मिल रही है, वो है हमारी ट्रेंड लाइन, मतलब हमें ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, तो मतलब यहां से हमें बहुत बड़ा एक हमें मोमेंटम यहां पर देखने मिलने वाला है, वो आज नहीं तो कल। हमें कम से कम यहां पे, मैं आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जानेंगे तो 400 टू 600 पॉइंट्स का आपको यहां पर जो रैली है, ये जो मोमेंटम है आपको यहां पे मिल जाएगा, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और अगर आप लोगों ने अभी तक यहां पर ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना अपना फटाफट आशीर्वाद दे दो, क्योंकि यहां पे बहुत ही सिंपल एनालिसिस होने वाला है यहां पर और कल की स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। और कोर्स यहाँ पे कोर्स खुल चुके हैं, सीखना चाहते हैं तो कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में है, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं ओरिजिनल चैनल पे। आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो क्लासेस के भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ अगले हफ्ते, और ठीक है। अब यहाँ पे चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ से एकदम एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ऊपर से अगर यहाँ से देखा जाएगा तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कल मार्केट मोमेंटम करता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर 42,900 के नीचे अगर ये वाला जो लास्ट, ये जो जहां जहां से बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, अगर ये यहां पर ब्रेक हो जाता है तो हमें यहां पर 42,600 मतलब यहां पे 300 पॉइंट्स का हमें नीचे की तरफ देखने मिलेगा। और यहां पर जो मार्केट ने आज यहां पे एक रेजिस्टेंस जो एक बेस बनाया है वो है 43,200। अगर 43,200 के ऊपर निकलेगा तो भी हमें यहां पे 300 से 400 पॉइंट यहां पे आराम से हमें देखने मिल सकते हैं। 43,500 का मैं खुद पर्सनली यहां पे टारगेट लेके चल रहा हूं, ठीक है। उससे पहले आज आपने कितना निकाला, हमने जो टारगेट लिया था हम ऑलमोस्ट हमने यहां पे 7,700 निकाला, ठीक है। जस्ट टारगेट जो हमने 10,000 लिया था उससे थोड़ा सा चूक गया, बट कोई बात नहीं, टारगेट्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। और दो चार ऐसे लाते हैं ना तो दे देने का मार्केट को, उससे क्या होता है कि सामने वाले को भी खुश होना चाहिए ना कि वो पैसा कमा रहा है, सिर्फ आप ही आप कमाओगे तो वो सामने वाला पैसा क्यों लेके आएगा, साइकोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी समझ रहे, मीम देखा होगा देख लेना, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, ठीक है। और लेकिन ये कल अगर मोमेंटम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सपायरी है वो फ्लैट जाने वाली है, तो मतलब मार्केट को क्या है, अगर यहां पर होल्ड कर गया कल
तो मतलब थर्सडे के दिन 1 रुपए की चीज 20 रुपए जो होती है वो हमें देखने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कल होल्ड नहीं कर पाता, कोई सा भी लेवल ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ पे क्या है, पहले सिर्फ फर्स्ट आवर पे ब्रेक वेट करना है। आपको बस ये लेवल याद रखना, 42,900, 43,200। अगर यहाँ पे इसके बीच में अटक गया तो ठीक है, कल मार्केट तो हमें थर्सडे को बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर नहीं, अगर कल कोई सा भी यहाँ पे लेवल टूटता है, तो हम लोग ऊपर से 43,500 और नीचे से 42,600 जैसे ही क्लोजिंग आएगी वहां पर हम वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। वेरी सिंपल एनालिसिस, क्योंकि एक सिंपल एनालिसिस है, आपको कीप इट सिंपल एंड स्वीट। और मार्केट में क्या है, यहां पर निफ्टी 50 ऑब्वियसली एक स्ट्रांग मिल चुका है, क्योंकि मार्केट जब भी थोड़ा नीचे आ रहा है वहां से खींच रहा है, जब भी नीचे आ रहा है वहां से खींच रहा है, जब भी नीचे आ रहा है वहां से खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बाइंग है। समझ रहे हो कि नहीं, चीजें चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और यहां पे क्या है, और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस हमने बताया था 18,680, मैंने कल के भी एनालिसिस में बताया था, चाहिए तो नहीं बिलीव होता तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीजें आपको क्लासेस में सीखने मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में यहाँ पर निफ्टी 50 हम लोग कब तक सेल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से जो बाइंग आई थी ना, जब तक यहाँ से जो बाइंग आई थी, तो मतलब जब तक 18,450 जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग को यहाँ पे सेलिंग की थॉट्स यहाँ पे नहीं लाने हैं ऑन एन इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। मार्केट ड्यू ऑल टाइम हाई है, कोविड के कंसर्न है, इन्फ्लेशन के कंसर्न है, बट ये एक लेवल पे चलता है मार्केट। मार्केट में जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको रिस्क नहीं लेना, और इसके ऊपर वापस से निकलता है तो 18,800 हमें यहाँ पर आता हुआ यहाँ पर हमें दिख सकता है। तो यहाँ पे कल की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 550 के नीचे आता है तो 550 से हम 450, ये 550 का टारगेट है 18,550, इसके नीचे आता है तो 18,450, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के वापस से ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करता है तो 18,680, फिर अब आगे आपको देखने मिलेगा 18,732 और उसके बाद आपको मिलेगा 18,800। अब बोलोगे ये लेवल कहाँ से लाते हो सर, चेक कर लेना, देख तो, अगर मार्केट अगर आता है तो वो एनालिसिस आपको देखते हुए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर गया इस वाले लेवल पे, तो हम लोगों को थर्सडे बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिल जाएगा, आज नहीं तो कल बहुत बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे आने वाला है। अब मेरे रेडार पे जो आया है वो स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन क्या है, यहाँ से काफी ज्यादा गिर रहा था, ठीक है। गिरने के बाद वो फर्स्ट बाउंस दिया, फर्स्ट बाउंस के बाद सेकंड पुल बैक यहाँ पे दिया, लेकिन इसने क्या क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसकी क्लोजिंग 2620 के ऊपर आती है ऑन इंट्राडे लेवल पे, तो हम 2640 का टारगेट लेंगे, और अगर डे पूरा 2620 के ऊपर क्लोज हो गया तो हम लोग यहाँ पे 2680 के हम यहाँ पे इसको प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई भी गैप डाउन खुल जाता है तो आपको इसको अवॉइड करना है, और ये लेवल के अगर 2600 के नीचे जाता है 2600 को, तो इसको आपको टोटली इग्नोर करना है। ये एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, आप मेरे को वीडियो बता दीजिए कि आपको वीडियो में, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आप कितने बजे चाहते हो मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊं कि रिकॉर्डेड वीडियोस डालूं, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं हूं, ठीक है। राइट, आपका आशीर्वाद आप बनाए रखिए, आपको जैसा जो आज कितना प्रॉफिट कमाया वो मुझे नीचे कमेंट बता दीजिए, और एक और चीज़, आप ओरिजिनल चैनल पे हैं कि नहीं है वो भी नीचे कमेंट बता दीजिए। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं ऐसे ही अगले एनालिसिस के साथ, थैंक यू।